दोस्तों ये वीडियो डिप्रेशन के बारे में है और आपको जिस प्लेटफॉर्म पर कैसे इसे डालना होगा वैसे आप इसे डाल सकते हो। तो इस वीडियो में बात करेंगे डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे होता है और उसका इलाज क्या है, इस पर बात करेंगे। रिसेंटली मैंने NLP का कोर्स किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, तो उसमें कई सारे दिमाग की गहराइयों तक का पता चला और मैं खुद NLP प्रैक्टिशनर हूँ, मैं खुद के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो उसका डायरेक्टली कनेक्शन डिप्रेशन के साथ है। तो वही चीज सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पहले ही बता दूं कि देखना होगा तो आखिर तक के देखिएगा, अगर बीच में छोड़ना होगा तो यही रुक जाएगी, वीडियो छोड़ दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपको लगता होगा कि इस वीडियो से कुछ आपको मिला है तो यार इसे जरूर कोई डिप्रेशन पेशेंट आपको जरूर शेयर कीजिएगा। तो कैसा है ना दोस्तों कि डिप्रेशन जो है ना, मुझे लगता है कि टेंशन का बड़ा प्रॉब्लम है। डिप्रेशन की जो शुरुआत होती है ना वो टेंशन से होती है। एक छोटा सा टेंशन होता है कि पापा ने डांट दिया, या करियर का टेंशन, जॉब नहीं मिल रही उसका टेंशन, एग्जाम की हो रही उसका टेंशन, एग्जाम में फर्स्ट रैंक नहीं आया उसका टेंशन, किसी दोस्त ने क्रिटिसाइज कर दिया उसका टेंशन, किसी दोस्त ने बहुत ही गंदा मजाक उड़ा दिया, बॉडी शेमिंग कर दी उसका टेंशन। तो ये जो सारे टेंशन है ना दोस्तों, ये धीरे धीरे हमारे दिमाग में घर करते जा रहे हैं। और जो डिप्रेशन होता है ना वो किसी दिमाग की तरह होता है, धीरे 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 हमारे पूरे दिमाग को खाता चला जाता है और आखिर में हमें डिप्रेशन दिखता है जब वो कोई हाथ के नस काट लेता है, जब कोई तीन माले की बिल्डिंग से कूद जाता है, या जब कोई फांसी का फंदा बनाकर लटक जाता है, तब हमें दिखता है कि यार इसे डिप्रेशन था। 3 Idiots में बहुत एक सुंदर डायलॉग है दोस्तों कि यार ये इंजीनियर बड़े चालाक होते हैं, सब नापने की मशीन बनाई, लेकिन ये हाथ का प्रेशर नापने की मशीन किसी ने नहीं, अगर नाप लेते तो पता चलता ये सुसाइड नहीं मर्डर है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सुशांत के केस में मर्डर हुआ होगा तो उसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन कैसा है कि यार जो डिप्रेशन होता है ना वो धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। तो हमने अगर उसे शुरुआत की स्टेज में ही काट दिया तो यार किसी को सुसाइडल थॉट तो आएगी नहीं। और ये डिप्रेशन को हमें बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं, हम कहते हैं यार मोटिवेशनल वीडियो देख ले, यार हंस ले, उसके साथ हंसी मजाक करते हैं, उसके डिप्रेशन का भी फायदा उठाते हैं, उसके डिप्रेशन को भी हम हमारे मजाक का जरिया बनाते हैं। तो ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, देखना चाहिए यार एक उसमें भी एक लाइन होती है, पता है ना, ये लाइन की इधर करो ना तो वो क्रिटिसिज्म होता है, तो वो लाइन के उधर चलेगा तो किसी को बुलिंग करना होता है, किसी को बुलिंग नहीं करना चाहिए यार, वो बहुत ज्यादा गलत चीज है। दोस्तों कल सुशांत के केस के बाद मैं कंटिन्यूअसली डिप्रेशन पे आर्टिकल्स पढ़ रहा था, अलग 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 लोगों की रिसर्च देख रहा था, अलग अलग वीडियो देख रहा था, तो उससे एक बात समझ में आई, जो फॉरेन में जो रिसर्च हुई ना उसकी रिपोर्ट बताती है कि फॉरेन के नियरली 60-70% लोग डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन वो इंडिया में वो आंकड़ा बहुत कम है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों हमारा एंशियंट कल्चर जो है ना वो डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। हमारा जो योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, अगर ये आप कंटिन्यूसली करोगे ना तो आपको डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। आपकी जितनी अच्छी फिजिकल हेल्थ रहेगी उतनी अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ रहेगी। और हम फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे हम फोकस करना ही नहीं चाहते, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे फोकस करना, मेंटली हेल्दी रहना, ये हमारे लिए पागल होने की निशानी है। क्योंकि हमारे सोसाइटी का हमने कल्चर ऐसा बना दिया है कि किसी को अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी तो वो पागल हो सकता है, तो उसे पागल खाने होगी तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। तो हो सकता है तो कितने डिप्रेशन में हो जिससे वो बाहर आ जाता है और आपकी लकड़ी का सहारा मांग रहा, लेकिन आप क्या करते हो वो लकड़ी को हटा देते हैं लेकिन उसका मजाक के साथ उड़ाता और उसको और डिप्रेशन में ला देते और आप उसकी बिलिंग करते हैं। तो डिप्रेशन के दोस्तों कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं कि जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है आपको सर के पीछे के साइड में, या कहो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है आपको, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, आपकी आँखें बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, आपकी बॉडी में हल्का सा पेन रहता है, आप कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, तो ये सारे दोस्तों डिप्रेशन के सिम्टम्स। पर देखा जाए तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स बाहर से किसी को देख नहीं सकते, तो जब तक डिप्रेशन पेशेंट किसी को बताएगा नहीं तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि वो आदमी डिप्रेशन है। तो जो डिप्रेशन में है ना यार उसे उसे वही इलाज शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको डिप्रेशन से बाहर आना है ना, अगर आपको नहीं पसंद है डिप्रेशन, अगर आप ओवर थिंकर हो ना तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहोगे, पर इसी चीज़ से अगर आपको बाहर आना होगा तो
तो आपको बस एक ही चीज करनी है, क्योंकि जितना आप अपना दर्द लिख सकते हो ना उतना लिखिए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप जितना उन चीजों को लिखोगे उतनी उतना आपका डिप्रेशन करना होता है। और दूसरी सबसे मेन बात है बात की, जब तक आप बात नहीं करेंगे आपका डिप्रेशन खत्म नहीं होगा, आपका टेंशन खत्म नहीं होगा। आप जितना ओवर थिंकिंग करते जाओगे आपका आपका टेंशन बढ़ता जाएगा, आपका डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन आप अगर किसी फ्रेंड से बात कर लोगे, किसी फैमिली मेंबर से बात कर लोगे, मौसी भैया भाभी मामा किसी से भी बात कर लोगे, तो हो सकता है आपका डिप्रेशन हल्का हो जाए, आपका डिप्रेशन टेंशन से आ जाए और टेंशन से आप नॉर्मल लाइफ में आ जाए। यही सारी चीजें हैं जैसे कि यार आपको अपने टेंशन खत्म करना होगा, आपको लाइफ जीनी होगी। क्योंकि सुशांत मूवी का एक चीजों का डायलॉग है कि यार जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिंदगी जीने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिंदगी ही है, पर लाइफ वी गेट लाइफ ओनली वंस ना, तो फिर जियो ना। कि उसको डिप्रेशन जैसे इसे फिर भी आ रहा है हम क्यों खत्म कर रहे हो। मैं इसको फिर भी इसलिए कह रहा हूँ कि यार ये ऐसा है कि इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते जब तक कि डिप्रेशन वाला पेशेंट आपके साथ ऑपरेट नहीं करता। तो NLP में यही होता है कि यार आपको कंटिन्यूसली अफर्मेशन दिए जाते हैं। जब आप मॉर्निंग में उठते हो या आपको हिप्नोटाइज करके आपको अफर्मेशन दिए जाते हैं, आपको पॉजिटिविटी दी जाती है। और एक रिसर्च बताता हूँ आपको कि यार जो आप होते हो ना, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है, जो आप सबसे ज़्यादा 5 लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो उनका एवरेज होता है। तो अगर आप जो अपने 7 के 5 लोग हैं, अगर आप उनको निगेटिव चुनते हो, वो सारे निगेटिव हैं, जो सारे आपको कह रहे हैं तुम नहीं कर पाएंगे, अभी तुमसे नहीं हो पाए, अभी तेरे बस का ही नहीं, अगर आप ऐसे सारे लोग चुनते हो सकता है कि आप में भी वही निगेटिविटी आए, और उस निगेटिविटी की वजह से आप भी डिप्रेशन में चले। तो अपने 7 के भी लोग ऐसे चुनो कि यार जो आपको मोटिवेट कर रहे हो और क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, तो हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, वो आपका मजाक नहीं हो, आपको रियली वो क्रिटिसाइज कर रहे हो, रियली आपको बता रहे हो कि आपका ये गलत हो रहा है, आप ऐसे इसको सही कर सकते हो। किसी पॉलिटिकल विरोधी पक्ष जैसा नहीं कि जस्ट वो क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं देते। तो इस बारे में सोचो दोस्तों, क्योंकि डिप्रेशन बहुत बड़ा रोग है और इससे हम सबको मिलकर डील करना है। अगर ये वीडियो कोई डिप्रेशन पेशेंट देख रहा होगा तो मैं इससे यही कहना चाहूंगा कि यार बात कर, किसी से भी बात कर। मैं नीचे गवर्नमेंट के कुछ कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ, कुछ NGO के कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ, नीचे चैट बॉक्स की भी लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको कॉल करना नहीं पसंद तो आप चैट बॉक्स पर बात कीजिए, पर सिर्फ बात कीजिए या लिख लीजिए या गा दीजिए, कह दीजिए, जोर जोर से कह दीजिए, बस अंदर से बाहर निकाल दीजिए, अपना दिमाग हल्का कर लीजिए, आपके डिप्रेशन से आप टेंशन में आ जाओ और टेंशन से आप नॉर्मल में आ जाओ। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और वीडियो के बीच में बहुत ज़्यादा शोर था शायद से, तो माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। एंड यार डिप्रेशन से मत जूझो यार, जिंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में जिंदगी गंवाना ठीक नहीं है। और सुशांत ने जो किया वो बहुत अनफेयर है, मुझे नहीं अच्छा लगा, और शायद से इंडिया में से किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, किसी को एक्सपेक्टेड भी नहीं हुआ कि ऐसा हुआ होगा। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि यार डिप्रेशन बहुत छोटी बीमारी है, अगर हम उसे छोटा देखेंगे तो, अगर हम उसे खाद पानी डालेंगे, हम अगर उसे खिला के बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ी बीमारी है और इसकी जान भी ले सकती है। क्या डिप्रेशन से जो मैं बात करूँ, मुझसे बात करूँ, नीचे हेल्पलाइन भी है वहाँ पर बात करूँ, लेकिन बात करो क्या लिख लो। बस यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, बस कुछ दिल के जज्बात थे जो शेयर करने को। होप करता हूँ आप शेयर करोगे, और अगर आप यहाँ तक के बने हो तो आप यार डिप्रेशन को सीरियसली ले रहे हो, तो इसे सीरियसली लो, इसे मजाक नहीं मत लो।